Hello, BSc Semester 2 Botany Honors Student. Here I am Dr. S. Kalko. अभी मैं आप लोगों के सामने फंजाई का एक सॉरी टेटोफाइटा का एक ग्रुप लेके आई हूँ, पढ़ाने के लिए आई हूँ, दैट इज़ राइनिया. अभी आप लोग कैसे हैं? अभी लॉकडाउन में ऐसी क्लास होगी. ये CC4 का है, ये टेटोफाइट डिवीजन साइलोफाइटा क्लास, साइलोफाइटोप्सिडा ऑर्डर साइलोफाइटेल्स एंड फैमिली राइनेसी. और ये पूरा प्लांट जो है ये फॉसिल है, हमको दिखा सकते हैं कोई बात नहीं. द फॉसिल ऑफ द जीनस राइनिया वेयर डिस्कवर्ड बाई किटस्टोन एंड लैंग इन 1917 फ्रॉम द राइनी लोकेलिटी ऑफ एबरडेनेसी इन स्कॉटलैंड. ओनली टू स्पीसीज ऑफ राइनिया, दैट इज राइनिया मेजर एंड राइनिया वानी वाल्गेरी आर नॉन. बोथ दीज स्पीसीज आर प्रिजर्व्ड as complete plant in hard siliceous rocks of the lower Devonian age. The available evidences suggest that they grow near volcanoes in habitat saturated with acid water from the hot spring. That means ये hot spring के बगल में ये मिला. तो plant body ये fossil plant है, तो plant body राइनिया first जो part मिला that is sporophyte plant. इज द टेडोफाइट. सो प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट और ये जो पूरा बॉडी है ये बना हुआ, ये एक स्पीसीज हम बतला रहे हैं राइनिया मेजर. पूरा बॉडी है ये बना हुआ रहता है राइजोम और एरियल स्टेम. तो राइजोम इज अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. इसमें नोट्स इंटर नोट्स प्रेजेंट रहते हैं, इसमें रूट्स एबसेंट होते हैं. लेकिन राइजोम एक ग्रुप ऑफ रूट लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर राइजोइड्स प्रेजेंट रहता है ऊपर में. राइजोइड से ऊपर में राइजोम के ऊपर में एरियल सूट डेवलप करता है. ये एरियल सूट ये जो है इस स्ट्रक्चर को हमने कहते हैं डायकोटोमसली ब्रांच. ये डायकोटोमसली दो में डिवाइडेड है, तो डायकोटोमसली ब्रांच है. इसके अपर पोर्शन पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, ये स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया प्रेजेंट है. और समटाइम्स ये एपिकल पोर्शन केवल टैपरिंग या पॉइंटेड स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट रहता है. ये भी डायकोटोमसली ब्रांच है, स्पोरेंजिया प्रेजेंट है और इसको हम लोग कहते हैं एडवेंटिटियस ब्रांचेस भी इसको कहा जाता है. इसका पूरा होल बॉडी इतनी ही स्ट्रक्चर है. अगर इसका ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे सूट का, इसमें राइजोम और सूट, तो दोनों का स्ट्रक्चर एक ही दिखाई देता है. यह है TS ऑफ सूट का स्ट्रक्चर, राउंडेड शेप स्ट्रक्चर. जितना फॉसिल में मिला उतने स्ट्रक्चर है. आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस पैरेन्काइमेटस एपिडर्मिस प्रेजेंट है, इसमें स्टोमाटा प्रेजेंट है. और बिलो एपिडर्मिस टू लेयर्स ऑफ कॉर्टेक्स प्रेजेंट है. आउटर कॉर्टेक्स ये भी पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ है. इनर कॉर्टेक्स लूजली अरेंज है, जो कि फोटोसिंथेटिक रीजन इसको माना जाता है. ये स्टील है, जाइलम प्रोटोस्टील, जाइलम सराउंडेड बाई फ्लोएम. आउटर वाला स्ट्रक्चर फ्लोएम है. स्पोरोफाइट स्टेज, इसका रिप्रोडक्शन में स्पोरोफाइट स्टेज. फर्स्ट स्टेज इज स्पोरोफाइट, जो कि स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हुआ. और स्पोरेंजिया में क्या देखते हैं स्ट्रक्चर, ये स्टॉक है और इसका पूरा बॉडी ही देख रही स्पोरेंजियम. ये टू लेयर्स में डिवाइड, टू लेयर्स है, आउटर लेयर जैकेट और इनर लेयर में टेपेटल, जो कि न्यूट्रिटिव लेयर्स इसमें प्रेजेंट रहता है. इसमें स्पोर्स प्रेजेंट है. ये यून सभी स्पोर्स का शेप एक ही है, इसलिए इसको कहा जाता है होमोस्पोरस स्ट्रक्चर. इसमें म्यूसिस स्ट्रक्चर, म्यूसिस सेल्स से डिवीजन से डिवाइड हुआ और इसमें स्पोर टेट्राड बनाया, इसलिए फोर सेल स्ट्रक्चर. जब ये मैच्योर हो जाता तो सिंगल स्ट्रक्चर भी मिला और इसमें सिंगल न्यूक्लियस, आउटर एक्साइन और इनर स्मूथ वॉल इंटाइन प्रेजेंट है. इसमें गेमेटोफाइट स्टेज नहीं मिला है, लेकिन फिर भी एक गेमेटोफाइट का सब स्ट्रक्चर मिला. गेमेटोफाइट आफ्टर स्पोरोफाइट, जब स्पोर जर्मिनेट किया तो ये गेमेटोफाइट बनाया. तो इसमें सिर्फ आर्चगोनिया का ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर और ये उसका पूरा टिश्यू है, सेल है, उसके अंदर में फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर दिखलाई दिया. तो ये राइनिया आप लोगों का कंप्लीट हो गया. थैंक यू.